ओम शांति जीवन में हर कोई खुशी खुशी चाहता है और खुशी पाने का एक फार्मूला जो आज सभी लोग मानते हैं वो ये है हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस यानी अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा और हमारे पास पर्याप्त धन और साधन होंगे तो हम खुशी को पा सकेंगे जितना हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा जितने हमारे पास साधन ज़्यादा होंगे उतने हम खुश रह सकेंगे लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं जीवन में देखते हैं कि ऐसे लोग जिनका स्वास्थ्य भी ठीक है जिनके पास साधन भी धन संपत्ति भी बहुत है वो भी खुश नहीं है तो सोचकर व्यक्ति सोचने में पड़ जाता है कि आखिर खुशी का आधार क्या है क्या मैं जितने संसाधन इकट्ठे करता जाऊँ उसी मात्रा में क्या मैं खुश रहता हूँ या अगर मैं अपने स्वास्थ्य को भी जितना ठीक करता जाऊँ जितना इसका ध्यान रखूँ क्या उससे मेरी खुशी बढ़ सकती है हम देखते हैं नहीं बॉम्बे में एक स्लम एरिया में दो बच्चे छोटे छोटे बच्चे अपनी झोपड़ी के बाहर खड़े थे उनके फटे हुए कपड़े थे बाल उनके शरीर मैले थे और वो एक कोई विदेशी फ़ोटोग्राफर उनका फ़ोटो ले रहा था तो एक पैट्रियोटिक भारतवासी ने देशभक्त ने उनको जाके पकड़ा कि तू ये फ़ोटो क्यों खींच रहा है क्या तू हमारे देश की गरीबी अपने देश में दिखाना चाहता है तो उसका वो छीनने लगे फिल्म तो उसने कहा यह बात नहीं है तो बोला फिर क्या बात है वो बोले कि हम देख रहे हैं कि इन बच्चों के पास कुछ भी नहीं है ना इनके पास धन है इनके फटे हुए कपड़े हैं मेला शरीर है स्नान भी नहीं किया हुआ पता नहीं खाया भी है कि नहीं लेकिन ये मुस्करा रहे हैं तो मैं इनका फ़ोटो लेकर ये अपने देश में दिखाना चाहता हूँ इनकी मुस्कुराहट का क्या कारण है तो वही बात हम अब कर रहे हैं कि एक व्यक्ति स्वस्थ भी है साधन संपन्न भी है फिर भी वो खुश क्यों नहीं है तो इसलिए हमको इस बात के ऊपर जाना पड़ेगा कि खुशी का शायद कोई और आधार है और जब तक हम उस खुशी के मूल आधार को नहीं समझेंगे हम जितने भी साधन इकट्ठे कर लें अपने स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए जितना भी ध्यान रख लें हम उस खुशी को पाने वाले नहीं हैं और वो मूल आधार ये है कि हमने उल्टा किया हुआ है एक्चुअली वास्तव में सबसे पहले खुशी होनी चाहिए खुशी ही व्यक्ति के स्वास्थ्य को ठीक रखती है और अगर खुशी का धन प्राप्त है तो हमें और किसी धन की आवश्यकता ही नहीं है इसीलिए कहा गया है खुशी जैसी खुराक नहीं कि जो खुराक खा करके हम समझते हम हेल्दी रहेंगे अगर अगर कोई व्यक्ति खुश है तो उसकी उसको और किसी खुराक की आवश्यकता ही नहीं है उदाहरण के तौर पर अगर हम बिल्कुल खुश हैं किसी बात से और जा रहे हैं सड़क पर गलती से कोई व्यक्ति हमारे साथ टकरा जाता है और हमें कहता है माफ़ करना तो हम क्या कहते हैं हम बहुत खुश हैं हम कहते हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं क्योंकि हमें महसूस ही नहीं हुआ कोई हमारे साथ टकरा गया इसके अगेंस्ट मान लीजिए हम किसी बहुत अफसोस की स्थिति में जा रहे हैं और वही व्यक्ति हमसे टकरा के कहता है माफ़ करना तो फिर हम उसको ये नहीं कहते कोई बात नहीं फिर हम उसको एक लंबी चौड़ी बात कहते हैं कि देखो दिन चढ़ा हुआ है इतना बड़ा शरीर है तुम्हें दिखाई नहीं दिया तो अब फ़र्क क्या हो गया कि हम खुश थे तो खुशी की अवस्था में व्यक्ति को कुछ महसूस ही नहीं होता जैसे हाथी को, को कोई सुहा भी मार देता है तो उसको केवल खुजली होती है इसी प्रकार से खुशी जैसी खुराक नहीं खुश व्यक्ति के शारीरिक हारमोन इतने अच्छे रहते हैं कि वो रुष्ट पुष्ट रहता है क्योंकि वास्तव में अगर देखा जाए कि एक आयु के बाद जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो ऐसा नहीं है उसको खुराक खाने से उसका कद बढ़ जाता है या उसके शरीर के अंदर कोई ज़्यादा ताकत आ जाती है बड़ा हुआ व्यक्ति तो हवा पानी पर ही जीता है जैसे छोटे पौधे जब पेड़ बन जाते हैं सड़क के किनारे खड़े रहते हैं तो उनको किसी प्रकार का खाद देने की ऐसी चीज़ों की आवश्यकता नहीं रहती वो तो स्वाभाविक तौर पे जीता है ये तो हम लोगों की गलत फहमी है कि हम ज़्यादा भोजन करेंगे तो शायद हम स्वस्थ हो जाएंगे ना तो हमारा कद एक सेंटीमीटर बढ़ता है ना हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है बल्कि ज़्यादा भोजन करने से कई बार हम अपने शरीर को हानि पहुँचा देते हैं हवा पानी ही काफ़ी है और इसी प्रकार से खुशी जैसा खजाना नहीं लोग धन इकट्ठा करते हैं कि उसको देख करके हमें खुशी होगी मेरे पास इतना धन है लेकिन खुशी अगर पहले ही मिल जाए तो उसको धन की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि वो धन जो है एक प्रकार का बोझ भी बन सकता है व्यक्ति के अंदर व्यक्ति सोच ये नहीं जानता कि धन को संभालने में उसको कमाने में उसको छुपाने में उसको इतना उसका दिमाग और बुद्धि एक बोझ भी बन सकता इसलिए बेसिक बात यह है कि हम अपनी खुशी को बिना किसी प्रकार के बाहर के माध्यम का प्रयोग करने से सीधी तरह से प्राप्त कर सकें इसके लिए हम अगर जीवन में देखें तो तीन असूल हमें प्रकृति बताती है दुनिया हमें बताती है पहला असूल ये है इस दुनिया के अंदर हम किसी चीज़ के मालिक नहीं बन सकते जो कुछ दुनिया में हमारे पास है उसको हम प्रयोग कर सकते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि किसी चीज़ के मालिक बनने की कोशिश करना एक धोखे में आना है और असली खुशी को अपने से दूर करना है मान लीजिए मैंने एक मकान खरीदा और मैंने कहा कि मैं इस मकान का मालिक हो गया हूँ आज मैं एक मकान प्रॉपर्टी मेरी हो गई है इसकी मुझे खुशी है वास्तविकता ये है कि मकान एक प्रॉपर्टी है और उसकी रजिस्ट्री एक कागज़ है उस कागज़ में कुछ रखा नहीं है मान लीजिए वही मकान मैं किसी ऐसे किराएदार को दे दूं जो मुझे एक महीने किराए देने के बाद मुकदमे में डाल दे तो मैं उस कुछ समय के बाद तंग आके कहूँगा इससे तो मेरा मकान ना होता तो अच्छा था क्योंकि मैं खाम खाम में इसके चिंता में पड़ गया हूँ ऐसे ही दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं आप गौर फरमाएंगे, वो आपको हर चीज़ सुख भी दे सकती है दुख भी दे सकती है आपका अपना बेटा आपकी इज्ज़त को बढ़ा सकता है आप आपकी इज्जत को मिट्टी में भी मिला सकता है आपका आपकी ज्वेलरी आपको खुश भी कर सकती है आपका गला भी कटवा सकती है सबसे पहली बात हमारा ये शरीर ये शरीर हमें सुखी भी रख सकता है और ऐसी दिशा में भी पचा सकता है कि हम इसे तंग आ जाएं, इससे छूटना चाहें और ना छूटें कई लोग तो घात कर लेते हैं शरीर ऐसा दुख भी दे देता है इसलिए हम वस्तुओं में न जाएं। तो पहली बात यह है कि जो कुछ जीवन के अंदर है चाहे मेरा शरीर ही है वो मेरे प्रयोग के लिए है मैं इसका मालिक नहीं बन सकता इसको मुझे छोड़ना ही पड़ेगा दुनिया की कोई भी चीज़ आप ले लें जब आप शरीर छोड़ देंगे आपसे छूट जाएगी इसलिए उपयोग करना प्रयोग करना इम्पोर्टेंट है कई व्यक्तियों के पास बहुत कुछ है लेकिन उसका वो प्रयोग नहीं करते उपयोग नहीं करते उनके लिए जैसे वो नहीं के बराबर है दूसरी बात यह है कि इस दुनिया में हम अकेले नहीं हैं हर चीज़ दूसरे पर निर्भर करती है ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जानने की कि कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ अकेली नहीं है एक चीज़ दूसरे पर निर्भर करती है इससे हमें ये पता लगता है कि हम जीवन में अगर ये शैली अपनाएं कि हम दूसरे की सेवा करें दूसरा हमारी सेवा करेगा तो जीवन में हम खुश रह सकते हैं अगर हम ये समझें कि सभी मेरी ही सेवा करें ये दुनिया का जो कुछ बना है मेरे लिए ही बना है तो हम कुछ भी कर लें हम खुशी से दूर हो जाएंगे अब जैसे मोटे रूप से पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन मनुष्यों की खुराक है ह्यूमन बीइंग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ पौधों की खुराक है जब तक पेड़ पौधों को हम काटते नहीं थे हरे भरे एरियाज में रहते थे हमें कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी लेकिन अब हमने इस बात को ना समझ कर कि पेड़ पौधे हमारे लिए और हम पेड़ पौधों के लिए हैं आप दुनिया में हर चीज़ देख लीजिए हर चीज़ दूसरी चीज़ पर निर्भर करती है अगर हम ये मान जाए तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा हम दें और उसके बदले में हम प्राप्त करें अगर हम केवल लेने लेने का भाव रखेंगे तो लेने वाले को खुशी कभी नहीं मिल सकती उदाहरण के तौर पर आप वैसे भी देख लें जब आप किसी को कुछ देते हैं तो आपको खुशी मिलती है और जब आप किसी से कुछ लेते हैं तो आपको बोझ महसूस होता है एक व्यक्ति अपने मित्र के घर जाता है परिवार के साथ उसका मित्र उसको कहता है चाय पियो बिस्कुट खाओ केक खाओ वो व्यक्ति ना करता है नहीं 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 मैं खा के आया हूँ वो कहता है भाई खाओ अब वो फ्री में उसको दे रहा है वो क्यों नहीं ले रहा क्यों उसको पता है कि लेने में थोड़ा बोझ चढ़ता है देने वाला खुश होकर देता है क्योंकि उस देने में उसको हल्कापन महसूस होता है अब दुनिया में कभी भी देखेंगे जब आप देंगे तो आपको खुशी होगी जब आप लेंगे तो आपको बोझ महसूस होगा आप देखिए एक कहानी है एक व्यक्ति राजा था तो राजा को किसी ने कहा तू ओल्ड एज का होता जा रहा है अपना धन बांट दे पब्लिक में मरने के बाद किसने देखा है तो राजा ने अपने धन की थैलियाँ बना ली और प्रजा को कहा कि आओ और थैली ले जाओ दो चार दिन राजा बाँटता रहा बहुत प्रजा आके वो धन लेती रही तो उस लाइन के अंदर एक फ़कीर था बैगर था वो भी लाइन में लगा हुआ था तो जब उसका टर्न आता था काफ़ी समय के बाद वो अपना टर्न छोड़कर पुनः लाइन में लग जाता था तो सब लोग हैरान थे कि ये क्या करता है अपना टर्न छोड़ कर के पुनः लाइन में लग जाता है इसको क्या मिलता है तो राजा ने भी देखा सब लोगों के अंदर उस फ़कीर के लिए बहुत सहानुभूति पैदा हो गई सब उसकी प्रेस करने लगे तो राजा ने उसको बुलाया कि भाई तुम दो थैली ले लो चार थैली ले लो ये क्या करते हो कि तुम लाइन में लगते हो जब तुम्हारी टर्न आती है तुम छोड़ के फिर लाइन में लग जाते हो उसने कहा महाराज मैं दूर खड़ा था लाइन में मैंने देखा जब आप थैली देते हैं आपको खुशी होती है जब आप थैली देते हैं आपको खुशी होती है तो मैंने सोचा मैं क्या दे सकता हूँ तो मैं अपना टर्न दे देता हूँ मुझे खुशी हो जाती है तो इसका भाव अर्थ ये कि देने में खुशी है उस फ़कीर ने भी ये बात सीख ली देने में खुशी है इसलिए व्यक्ति को ये अप्रोच अगर रखे कि विश्व में मैं देता हूँ उसके बदले पे मुझे मिलता है तो फिर क्या होगा कि मनुष्य ये जो इकट्ठा करने की कोशिश करता है आप देखेंगे जितना जिसने इकट्ठा किया वो खुश नहीं है जब वो बांटता है उसको खुशी होती है। तो इसलिए तीन असूल इस जीवन के अंदर अगर हम अपनाते हैं पहला ये कि हम दुनिया में अकेले नहीं हैं हम किसी चीज़ के मालिक नहीं बन सकते हमें केवल प्रयोग करने की ही पावर है चीज़ को यूज़ करने की पावर है अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो हमें खुशी प्राप्त होगी हमने कोई मकान बनाया अगर हम उसमें रहते हैं तो मकान का सुख ले रहे हैं अगर हमने किराए पर दे दिया तो उसका सुख किराएदार ले रहा है मैं नहीं ले रहा हूँ दूसरी बात कि कोई किस किस कोई भी चीज़ व्यक्ति दुनिया में कोई अकेला नहीं है वो देता है उसके बदले में उसको मिलता है और आप देखेंगे जो देने वाला है उसको दाता कहा जाता है हमारे पूर्वज भी देवता कहलाते थे और देवता का मतलब होता है देने वाला वो देवी और देवता कहलाते थे और आज भी लोग उनकी मूर्तियों को मंदिर में जाकर कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं फूल फल चढ़ाते हैं उनके गुण गाते हैं और हम उनके ही वंशज अब लेवता बन गए हैं तो लेने वाले बन गए हैं तो हमें ना तो खुशी रही है ना कुछ जितना भी हम लेते रहते हैं अगर आप नक्षत्रों को भी देखेंगे तो लोग सूरज को भी देवता कहते हैं क्योंकि सूरज देता है जल को भी देवता कहते हैं जल देता है तो देने वाला बनने से व्यक्ति के अंदर खुशी की प्राप्ति होती है लेना वाला बनने से व्यक्ति पर बोझ चढ़ता है तो इसलिए हमें देवता बनने का यानी अगर हम जिंदगी में संतुष्टता चाहते हैं किसी भी वक्त हम ज़िंदगी में चाहते हैं क्योंकि सबसे बड़ा धन संतोष का धन है तो हमें एक असूल अपना लेना चाहिए इसकी बजाय हम संतोषी माँ की पूजा करें कि हमें संतुष्टता दे हम संतुष्ट हो सकते हैं जो ही आप अपने मन में एक संकल्प कर लें कि मैंने कभी भी सपने में भी लेने का विचार नहीं करना देने का विचार करना है तो आप जो ही ये करेंगे आप सदा संतुष्ट रहेंगे मोटे रूप से भी आप देखिए अगर आपने किसी को एक सौ रुपया देना है तो आपका हाथ कैसे होगा ऊपर होगा कि ये ले एक सौ रुपया और अगर आपने किसी से पाँच हज़ार रुपया लेना है तो आपका हाथ नीचे होगा दे दो पाँच हज़ार तो हाथ ऊपर किसका रहा जो देने वाला था इसलिए ज़िंदगी में अपने आप को मालिक अपने आप को बादशाह अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखने के लिए भी हमें देने का भाव रखना चाहिए तो जीवन में हम किसी कभी भी अपना हाथ नीचा नहीं करेंगे तो मान लीजिए हम नीचे नहीं होंगे तो इसलिए एक तो ये है कि जीवन के अंदर देने का भाव रखें दूसरी बात और है वो इससे ज़रा सूक्ष्म है कि देने के भाव का ये अर्थ नहीं है कि हम दुनिया के लोगों को कोई स्थूल चीज़ें दें मान लो हम किसी को कंबल देना शुरू करें या भोजन देना शुरू करें या धन दान देना शुरू करें यही देना है क्योंकि व्यक्ति सोचेगा कि अगर मैं किसी को धन दे दूँगा तो मेरा धन तो घट जाएगा ना मोटे रूप से तो उसके मन में यही आएगा यद्यपि कहने में ये आता है दान दिए धन ना खुटे लेकिन वो सोचता है कि मैं ऐसे करूँगा वास्तव में ये देना भी कोई देना नहीं है अगर आपने किसी को एक बार कंबल दे भी दिया तो एक कंबल ही तो दिया ना उसने अन्य चीज़ें तो आपने उसको नहीं दी इसी प्रकार से वास्तविक देना क्या है वो इससे गहरी बात है कि दूसरे के मन को हम खुशी दें दूसरे के मन को हम संतोष दें तो इसलिए एक सूक्ष्म तरीके का देना है जिसको हम कहते हैं हर व्यक्ति दे सकता है लेकिन उसको देने के लिए व्यक्ति के अंदर बहुत ही विशाल हृदय चाहिए बहुत ही एक प्रकार का जिसको कहते हैं दरिया दिल चाहिए और उसके अंदर किसी भी प्रकार की ऐसी गुंजाइश नहीं है कि उसके अंदर ज़रा सी भी ना देने की भावना हो वो है शुभ भावना और शुभ कामना हम अपने मन से हर एक व्यक्ति को अगर शुभ भावना और शुभ कामना देते हैं तो पहली बात तो यह है कि इससे हमारा मन खुश रहेगा कहा जाता है जो तुझको कांटा बोए उसको बो तू फूल कारण क्या कि तुझको फूल के फूल हैं वाको हैं तरसूल कांटा बोने वाले को तो तरसूल ही मिलने वाले हैं और फूल बोलने वाले को तो फूल ही मिलेंगे इसलिए अगर हम शुभ भावना शुभ भावना सबके लिए रखें तो हम सदा खुश रहेंगे तो हमें सिंपल शुभ भावना शुभ कामना रखने से अगर खुशी मिल सकती है देने का भाव रखने से खुशी मिल सकती है तो फिर हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को एकत्रित करने की आवश्यकता ही नहीं है खुशी वाले को हर चीज़ हर प्रकार का सहयोग हर प्रकार का स्नेह हर प्रकार की कॉपरेशन स्वतः ही मिलती है तो जीवन की ये शैली हमारे पूर्वजों ने देवताओं ने अपनाई थी इसमें लेकिन एक शर्त है कि हम अगर शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं तो सबके लिए रखनी पड़ेगी ऐसा हम नहीं कहेंगे कि सारी दुनिया के लोगों के लिए तो मेरे मन में शुभ भावना शुभ कामना है लेकिन मेरे पड़ोसी के लिए फॉर एग्जाम्पल या मेरे ऑफिस में एक व्यक्ति का उसके लिए मेरे अंदर शुभ भावना नहीं मेरे अंदर उसके लिए शुभ भावना उठ ही नहीं सकती मैं घृणा मेरे अंदर तो उसके लिए घृणा पैदा होती है तो घृणा वाले को मैं शुभ भावना कैसे दे सकता हूँ क्योंकि एक बहुत गहरी बात है हम प्राय तौर पर ये कहते हैं कि दुनिया के 99.9 परसेंट लोगों से तो मुझे प्यार है लेकिन ये जो व्यक्ति है जो मेरे पड़ोस साथी के घर में रहता है इससे मुझे घृणा है तो अगर आपने प्रेम में घृणा डाल दी तो आपका प्रेम का ख़त्म हो गया बिगड़ गया एक बाल्टी अमृत में अगर आप एक ड्रॉप जहर डाल दें तो क्या होगा वो सारा अमृत जहर बन जाएगा एक मोटी बात जानने की ये है कि खराब चीज़ अच्छी चीज़ को खराब कर देती है अच्छी चीज़ ख़राब चीज़ को अच्छा नहीं बना सकती ये एक बहुत समझने की बात है अगर कोई ये समझे लोग कहते हैं ना अवॉइड बैड कंपनी बुरे संग से बचो क्योंकि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है अगर मेरे अंदर सारे ही भाव स्नेह के हैं लेकिन दो चार संकल्प मेरे अंदर घृणा के हैं तो स्नेह मेरा नष्ट हो जाएगा इसलिए भगवान के लिए भी कहते हैं परमात्मा प्यार का सागर है तो सबसे प्यार करता है ऐसा परमा आपने कभी नहीं सुना होगा कि परमात्मा है तो प्यार का सागर लेकिन इस प्रकार के व्यक्ति से परमात्मा घृणा करता है नहीं उसके प्यार के अंदर घृणा वाला भी समा जाता है इसी प्रकार से अगर हमने शुभ भावना रखनी है तो हमारे अंदर इतनी विशालता होनी चाहिए कि हम सब के लिए शुभ भावना रखें हम उसमें एक्सेप्शन नहीं कर सकते इतने लोगों के लिए तो शुभ भावना है लेकिन इस व्यक्ति के लिए तो मेरे अंदर अशुभ जो ही हमने ये कहा हमारी शुभ भावना की सारी ताकत ख़त्म हो जाएगी इसलिए अगर हम अपने जीवन में खुशी चाहते हैं तो खुशी जैसा ख़जाना नहीं खुशी है तो सब कुछ है खुशी नहीं तो धन भी कुछ नहीं खुशी जैसी खुराक नहीं खुशी है तो हमें सब कुछ शरीर वगैरह सब ऑटोमेटिकली ठीक रहेगा और अगर खुशी नहीं है तो आप जितना भी स्वादिष्ट भोजन खा लो जितना भी पौष्टिक भोजन खा लो कुछ मिलने वाला नहीं है इसलिए हम हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस की बजाय हैप्पीनेस को पहले लाएं खुशी जैस जैसा धन नहीं खुशी जैसी खुराक नहीं और खुशी हम अपने अंदर ही पैदा कर सकते हैं किस तरह कि एक तो देने की भावना रखें और दूसरा शुभ संकल्प शुभ भावना शुभ कामना सबके लिए रखेंगे तो हमारे लिए शुभ ही शुभ है हमें हर तरफ से सहयोग मिलेगा और जैसे एक गन्ने का बीज जो होता है या शुगर बीट होती है उसको जितने भी तत्व होते हैं वो तो शुगर की मीठी चीज़ ही पैदा करते हैं तो हमारे लिए ये दुनिया कांटों का जंगल नहीं रहेगी बल्कि फूलों का बगीचा बन जाएगी और हमारी जो खुशबू है अन्य लोगों को भी प्रेरित करेगी कि हम अपने जीवन को इस तरह का बनाएं ये मेहनत का रास्ता नहीं है ये मोहब्बत का रास्ता है वास्तव में मनुष्य को परमात्मा ने मोहब्बत का रास्ता जीने के लिए कहा था मेहनत हम तब करते हैं जब हम सही रास्ते से भटक जाते हैं तो सही रास्ते पर चलने से सहज भी है और सुखी भी है और सदा भी है मेहनत आप सदा नहीं कर सकते बीच बीच में आपको मेहनत से रेस्ट करना पड़ेगा इसलिए जो चीज़ सदा हो सहज हो और स्वभाविक हो वही चीज़ परमानेंट होती है तो हमें स्थाई खुशी के लिए इस रास्ते को अपनाना चाहिए ओम शांति